स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल बी एन सिंह क्लासेस में। इस वीडियो में हम लोग वैदिक पीरियड के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसके पहले हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन और प्री हिस्ट्री के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग वैदिक पीरियड। देखिए वैदिक पीरियड में जो वैदिक वर्ड है, इस वैदिक का मतलब होता है, ये वैदिक जो वर्ड है ये वेद से लिया गया है, ठीक है। और वेद का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है। अगर हम लोग वैदिक एरा को अगर हम डिवाइड करें तो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है वैदिक पीरियड को। एक है अर्ली वैदिक पीरियड, और अर्ली वैदिक पीरियड जो है ये आपका 1500 ईसा पूर्व यानी 1500 बीसी से 1000 बीसी के बीच में है। और दूसरा जो है आपका लेटर वैदिक पीरियड, लेटर वैदिक पीरियड जो है ये आपका 1000 से बीसी से 600 बीसी के बीच में है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच आर द फॉलोइंग टर्म इज यूज फॉर द स्कूल ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग द ब्रांचेज ऑफ वेदा। वेद को सीखने के लिए जो शाखा थी, जो स्कूल था, उसे क्या कहा जाता था? तो शाखा चरण रथ यज्ञ, आंसर है आपका चरण, ठीक है। चरण जो है इसका मतलब है जो गुरु शिष्य की जो परंपरा होती है वो इसको दिखाता है, ठीक है। वैदिक पीरियड के समय में क्या था कि जो गुरु और शिष्य होते थे, वो जो शिष्य थे वो गुरु जो थे वो गुरुकुल बनाते थे, और गुरुकुल में शिष्यों को पढ़ाते थे, और वो किसी जंगल किसी नदी के किनारे होता था। तो वो जो परंपरा थी उसको गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता था, और वेदों को समझने के लिए जो था उसको नाम दिया गया था, उस टर्म को कहा गया था चरण, ठीक है। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द ऋग वैदिक दस राजन युद्ध बैटल ऑफ टेन किंग्स द भरत एमर्ज्ड विनर एट द बैंक ऑफ, ठीक है। जो भरत वंश के जो राजा थे, भरत वंश का जो दस राजाओं का जो युद्ध था, फेमस युद्ध, वो किस नदी के किनारे वो जीते थे? इंडस रिवर, सरस्वती रिवर, सतलज रिवर, परुषणी रिवर, ठीक है। आंसर है आपका डी परुषणी रिवर। देखिए ये जो रिवर है इसको रावी नदी, आज के समय में इसको हम लोग रावी नदी के नाम से जानते हैं, ठीक है। जो आपका रावी नदी है इसका पुराना नाम था परुषणी, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इस टेन किंग्स की जो लड़ाई थी, ये हुआ था जो आपके भरत वंश के जो राजा थे इसी भरत वंश को त्रित्सु वंश भी कहा जाता था, त्रित्सु वंश, ठीक है। त्रित्सु राजवंश, इसी वंश के राजा थे राजा सुदास और दस राजाओं का एक गठबंधन था, दस राजाओं का एक समूह था, उनसे युद्ध हुआ था, और ये युद्ध राजा सुदास जो जीत गए थे, ठीक है। ये जो टेन किंग्स का जो बैटल है, जो ये दस राजन युद्ध है, इसका मेन कारण क्या था कि जो राजा सुदास थे, राजा सुदास के पुरोहित थे विश्वामित्र, ठीक है। और विश्वामित्र को सुदास ने क्या किया था कि इनको अपने पुरोहित के पद से उनको हटा दिया था, और उनके जगह पे गुरु वशिष्ठ को उन्होंने पुरोहित के जगह पे रख दिया था। इससे क्या था कि गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र में पुरानी दुश्मनी थी, मतलब उनके बीच में प्रॉब्लम था, उसके वजह से जो विश्वामित्र थे वो गुस्सा हो गए, और उन्होंने 10 राजाओं को इकट्ठा किया और राजा सुदास के खिलाफ युद्ध की घोषणा कर दी। लेकिन फिर भी ये राजा सुदास जो थे वो ये युद्ध जीत गए थे। अगला क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्रीफाइसेस द सेक्रीफाइसल मटेरियल्स यूज्ड वाज सुरा इन वैदिक एरा, ठीक है। अग्निस्तोम, राजसूय, सूत्रामणि, वाजपेय, आंसर है आपका सी, ठीक है। ये जो सौत्रमणि यज्ञ था, इसमें यज्ञ में पशु और सुरा की बलि दी जाती थी, पशु और सुरा की बलि दी जाती थी। ये सुरा जो है इसका मतलब होता है वाइन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, द अर्लीएस्ट एविडेंस ऑफ बैंकिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया कम्स फ्रॉम। पुराने समय में अगर हम लोग देखें तो भारत में जो बैंकिंग सिस्टम है उसके एविडेंस कहाँ से मिलते हैं? तो वैदिक एरा, मौर्य एरा, गुप्ता एरा, मेडिवल इंडिया, आंसर है आपका ए, वैदिक एरा, ठीक है। वैदिक एरा में हम लोग देखें तो कुछ ऐसे शब्द मिलते हैं जिससे हमको पता चलता है कि उस समय
जो है वो बैंकिंग ट्रांजेक्शन काम करता था, जैसे लोन को ऋण पत्र या ऋण लेख कहा जाता था। इसके अलावा सूदखोर और सूदखोरी का भी चलन वहाँ पे था, तो सूदखोर और सूदखोरी ये सब शब्द जो है बैंकिंग ट्रांजेक्शन से रिलेट करते हैं, इसलिए माना जाता है कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो है वो वैदिक एरा से आया है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखें तो हु अमंग द फॉलोइंग इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी ऑफ अर्ली वैदिक पीरियड, पुरोहित, सेनानी, ग्रामीणी, ऑल ऑफ दीज। आंसर है आपका डी। ये जो तीनों लोग हैं, तीनों लोग इम्पॉर्टेंट फंक्शनरी थे। उस समय के जो इम्पॉर्टेंट फंक्शनरीज थे उनको रतनीन कहा जाता था, रतनीन, ठीक है। और ये जो रतनीन थे, पुरोहित जो थे, ये दूसरे नंबर पर आते थे। पुरोहित का मतलब होता है पूजा पाठ या जो भी यज्ञ होता है वो सब राजा के, मतलब जो धार्मिक कार्य है, धार्मिक अनुष्ठान है, वो पुरोहित करवाता था। सेनानी पहले नंबर पर आता था और ग्रामीणी जो था ये छठे नंबर पर आता था। ग्रामीण का मतलब होता है, ग्रामीणी का मतलब था जो गांव का मुखिया होता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सॉरी, इन द लेटर वैदिक पीरियड हु वॉज द गॉड ऑफ शूद्र, पुषण, प्रजापति, अग्नि, इंद्र। देखिए वैदिक पीरियड में जो भगवान थे, जो गॉड थे, उनको हर कास्ट से रिलेट कर दिया गया था, ठीक है। जो भगवान होते थे उनको धर्म जाति में बांट दिया गया था, तो हर सॉरी, तो इसके अनुसार जो पुषण थे, इसका आंसर है आपका पुषण, ये शूद्र के देवता थे। शूद्र के देवता का मतलब हुआ द गॉड ऑफ शूद्र। इसके अलावा हम प्रजापति की बात करें तो प्रजापति भगवान ब्रह्मा को कहा जाता था, ठीक है, ब्रह्मा को कहा जाता था, तो ऐसा माना जाता है ये ब्राह्मणों के देवता थे। इसके अलावा अग्नि की बात करें तो अग्नि ये भी ब्राह्मण के देवता थे, और इंद्र जो थे ये क्षत्रिय के देवता थे, ये क्षत्रिय के देवता थे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, अभी क्वेश्चन पीछे छूट गया था, सॉरी, इस क्वेश्चन पर हम लोग बात कर लेते हैं अभी। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ वैदिक प्रेस्ट वॉज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग करेक्ट अरेंजमेंट्स फॉर द वैदिक सेक्रीफाइसल राइट्स। देखिए, जितने भी जो कर्मकांड टाइप के जो होते थे, जो सेक्रीफाइसल जो रिचुअल्स होते थे, वो कौन सा पुरोहित करवाता था, कौन सा जो पुजारी होता था उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी, होत्री, उद्गत्री, अधर्व्यू, नक्षत्री। आंसर है आपका सी, अधर्व्यू, ठीक है, ये पुरोहित होता था। और ये आपका जो है ये यजुर्वेद में इसका वर्णन है। इसके अलावा हम लोग बात करें तो जो पुरोहित होते थे, पुरोहित के सहायक भी होते थे, ठीक है। तो अधर्व्यू के जो सहायक थे वो थे प्रतिष्ठा, प्रस्तोता, निष्ठा। और ये जो होत्री है, होत्री का उल्लेख जो है, होत्री जो होते थे ये ऋग्वेद के पुरोहित होते थे, ठीक है, ऋग्वेद के पुरोहित होते थे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया है। देखिए, अगले क्वेश्चन पर चलने से पहले हमारा जो चैनल है बी एन सिंह क्लासेस, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिए और हमारा जो वीडियो है उसे लाइक करिए, शेयर करिए। देखिए, हम लोग जितने भी एंशेंट हिस्ट्री के जो टॉपिक्स हैं उन पे हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपको हर एग्ज़ाम में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, अभी हम लोग का ये चैनल नया नया है, तो आप लोगों का जो सहयोग जो है वो ज़रूरी है, ठीक है, थैंक यू। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इक्विवेलेंट टर्म यूज फॉर राजा इन अर्ली वैदिक एरा, गोपति, गोमत, गोप, गोमित्र। आंसर है आपका गोपति, राजा को जो था वो गोपति भी कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऋग्वैदिक डेटीज रिप्रेजेंटेड स्टॉर्म, स्टॉर्म से कौन से भगवान को रिलेट किया जाता है। देखिए, हर भगवान जो थे वो किसी न किसी जो नेचुरल फोर्सेस थी उनसे रिलेट कर दिया गया था। तो जो भगवान इंद्र हैं, इंद्र को वर्षा का देवता कहा जाता था, रेन, गॉड ऑफ रेन। मारुत जो थे इनको स्टॉर्म का देवता कहा जाता था, तूफान, ठीक है। तो आंसर आपका बी हो जाएगा। वरुण जो थे इनको पानी का देवता कहा जाता था, गॉड ऑफ वाटर। इसके अलावा और हम लोग देखें तो कुछ भगवान थे जैसे वायु, हवा, मारुत स्टॉर्म, इंद्र वर्षा के देवता, वरुण पानी के देवता, सूर्य सन, अग्नि आग, पृथ्वी अर्थ, ठीक है। तो जितने भी नेचुरल फोर्सेस है सबको इन लोगों ने किसी न किसी भगवान के रूप में इन लोगों ने उसे पर्सोनाफाई कर दिया था, रिलेट कर दिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है,
हु वॉज द प्रियस्ट ऑफ भरत इन द बैटल ऑफ 10 किंग, ठीक है, विश्वामित्र, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु। तो अभी हमने इसके पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने इसके बारे में बात की थी, जो 10 राजाओं का युद्ध हुआ था भरत वंश के, और राजा राजा सुदास और 10 राजाओं का जो कॉन्फेडरेशन था उनके बीच में, तो ये हुआ था विश्वामित्र के कारण। जो विश्वामित्र जो थे ये राजा सुदास के पुरोहित थे, और इनको उन्होंने हटा दिया था अपने पद से, तो उसके बदले में उन्होंने वशिष्ठ को रख दिया था, गुरु वशिष्ठ को। तो वशिष्ठ और विश्वामित्र के बीच में राइवलरी थी, इसके कारण ये युद्ध हुआ था। ठीक है, तो आंसर है आपका ए, विश्वामित्र। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज नोन एज द दृष्टवती इन वैदिक एरा, इंडस, झेलम, चेनाब, नॉन ऑफ दीज। देखिए, जो पुराने समय के जो नदियाँ थीं उनका, अभी जो रिसेंटली जो नदियाँ हैं पुराने समय में एंशियंट पीरियड में उनके कुछ अलग नाम होते थे, अभी उनका नाम जो है वो बदल गया है। तो देखिए, एक आंसर है आपका इसका जो है वो दृष्टवती जो है ये घग्गर, ठीक है, दृष्टवती जो है वो घग्गर नदी को कहा जाता है। इसमें जो है इसका ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, दृष्टवती। दृष्टवती जो नदी है इसको घग्गर नदी आज के समय में कहते हैं, घग्गर, ठीक है। तो इसका आंसर जो घग्गर है वो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब है नन ऑफ दीज आंसर होगा डी, ठीक है। इंडस आज के समय में जो है सिंधु नदी, झेलम जो है इसको वितास्ता कहा जाता था, और चेनाब जो है इसको असीनी कहा जाता था, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज नोन एज द वितास्ता इन वैदिक एरा, इंडस, झेलम, घग्घर, नन ऑफ दीज। तो वितास्ता जो है ये झेलम को कहा जाता था पुराने समय में, तो आंसर है आपका बी, इंडस, सिंधु नदी, पुराने समय में इसको सिंधु नदी कहा जाता था। घग्घर जो है वो आपका दृष्टवती, दृष्टवती, और जो झेलम है उसको वितास्ता नदी कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एज पर वैदिक रिचुअल्स हु अमंग द फॉलोइंग इज द डिवाइन मैसेंजर हु रिसीव द प्रेयर एंड कन्वे देम टू हेवेनली स्फेयर्स, अग्नि, सोम, वरुण, इंद्र। तो आंसर है आपका ए, अग्नि, ठीक है। अग्नि जो थे ये इंद्र के बाद इनका दूसरा स्थान था, पहले नंबर पे भगवान इंद्र आते थे, और जो इंसान मतलब जो ह्यूमन और देवताओं के बीच का एक मेडिएटर की तरह ये काम करते थे, मध्यस्थता का काम करते थे, और अग्नि ही एक ऐसा देवता थे जो तीनों जगह इनका विद्यमान था, मतलब तीनों जो स्थल हैं आकाश, पृथ्वी, अंतरिक्ष, तीनों पे ये विद्यमान थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एज पर द हिंदू फिलॉसफी व्हाट इज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स अंडर द रिस्ट्रेंट्स एंड प्रैक्टिस यम्स एंड नियम्स। तो आंसर है, क्वेश्चन है, सॉरी ऑप्शन है 5, 10, 15, 20, आंसर है आपका डी। देखिए, हिंदू फिलॉसफी के अनुसार अगर हम लोग बात करें तो 10 यम हैं, 10 यम्स हैं और 10 नियम्स हैं, 10 नियम्स हैं। अगर हम 10 यम्स और नियम्स की बात करें तो 10 यम्स कौन कौन से हैं ध्यान से सुनिएगा, अहिंसा, सत्य, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना है, ब्रह्मचर्य, ठीक है, कसम, धृति, दया, अर्जवती, मिताहारा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम 10 नियम्स की बात करें तो तप, संतोष, अस्तिके, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत श्रवण, मति, जप, होता और व्रत, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हु अमंग द सॉरी विच अमंग द फॉलोइंग वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रेन ग्रोन इन वैदिक पीरियड, वैदिक पीरियड में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सॉरी वॉज नहीं द सबसे इम्पॉर्टेंट जो अनाज था वो कौन सा था, व्हीट, बैडली, मेज एंड राइस। तो आंसर है आपका बी, बैडली, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे हम लोगों का ये
वैदिक पीरियड के 15 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, BN सिंह क्लासेस, जहाँ पे हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व वीडियो बनाने वाले हैं। तो थैंक यू, जय हिंद।